जिस तरह मेरी मम्मी को मारा है उनको भी ऐसे ही होना चाहिए, देवी का चंदा ना देने पर मारपीट में शिवानी और मां घायल, लाठियां चलने का वीडियो हुआ वायरल। सोशल मीडिया पर एक मारपीट का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि कुछ लोग वीडियो में दिख रही महिला पर लाठियां भांज रहे हैं। मामला इटावा जनपद के बड़पुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रमी का वर्ग गाँव का बताया जा रहा है, जिसमें एक ऑटो चालक के परिवार पर बेरहमी से लाठी डंडों की बरसात की जा रही है, जिसमें बीच बचाव करने आई महिला बेहोश हो गई, जिसके चलते महिला को इटावा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घायल बेटा और बेटी को मामूली चोट आई थी, जिनका जिला अस्पताल में उपचार कर दिया गया है। ऑटो चालक के बेटे के अनुसार ऑटो चालक रोज की तरह ऑटो चलाकर शाम को जब घर वापस जा रहा था तो गाँव के ही तथा कथित लोगों द्वारा देवी मंदिर के नाम पर उनसे चंदा मांगा गया। ऑटो चालक ने हाथ जोड़कर श्रद्धा अनुसार चंदा देने की बात कही, जिसमें चंदा मांगने वालों में से एक व्यक्ति शराब पिए हुए था, जो कि गाली गलौज करने लगा। कुछ लोगों की समझाने पर बातचीत को खत्म कर दिया गया। आज सुबह जब ऑटो चालक अपने परिवार के साथ घर पर ही था तो चंदा मांगने वालों में से वही व्यक्ति कुछ लोगों के साथ लाठी डंडे लेकर ऑटो चालक के घर पर आए और परिवार से भिड़ गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? सौरभ। कहाँ के रहने वाले हो? थाना कौन सा पड़ता है? ये जिनके छोटे महिला की, वो आपकी कौन है? मम्मी। क्या मामला हुआ है पूरा? मामला ये था कि कल हमारे पापा ऑटो चलाते हैं, ऑटो चला के घर लौट रहे थे तो गाँव के कुछ लोगों ने देवी माता के लिए चंदा मांगा, तो पापा ने बोला हम नहीं दे पाएंगे, हमारी जितनी श्रद्धा होगी उतने दे देंगे। तो उसमें से एक शराबी आया जिसका नाम है पुष्पेंद्र, तो उसने पापा से जबरदस्ती गाली गलौज की, बोले तुम दोगे पैसे, पैसे मांगे थे पापा से, पापा ने कहा हम नहीं दे पाएंगे, तो लड़ने लगा था। तो शाम को तो कैसे ना कैसे शांत हो गई थी लड़ाई, लेकिन ये सुबह लठ लेके आ गया, पापा जाते हैं सुबह स्कूल के बच्चों को लेके, तो जा रहे थे उसने आया भाग के और लाठी लेके मारने लगा। तो हम लोग गए पीछे से, तो उसने उसके साथ में उसके चाचा के लड़के आ गए, अमन पवन अगम ये सब आ गए और मारने लगे। उन्होंने हमारे लाठी मारी, मम्मी के सर पे मार दी, हमारे को लाठी मारी, हाथ में हाथ कट गए, मेरे चाचे लगे हुए। हाँ, थाना बड़पुरा क्षेत्र से लीला देवी एक मरीज जो है 40 वर्षीय एक महिला आई थी, इनका मेडिकल परीक्षण करके उन्हें यहाँ भर्ती कर दिया गया। और क्या चोटें उनके लगी हैं, क्या उपचार चल रहा है? सिर में चोट आई है उनके और हाथ में चोट आई है। उपचार कैसे चल रहा है उनका? अभी तो मरीज थोड़ा स्थिर नहीं लग रहा है, अगर जरूरत पड़ी तो सैफे भेजेंगे, सीटी स्कैन करा दिया।